हेलो एवरीवन, दिस इज सतपाल एंड यू आर वाचिंग ऑप्शन सेलर। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ऑप्शन ट्रेडिंग में फेल होने का नंबर वन रीजन क्या है। देखिए, ऑप्शन ट्रेडिंग में जो सक्सेस रेशियो है वो बहुत कम है। वैसे तो बोला जाता है कि ऑप्शन सेलर है वही हमेशा पैसा बनाता है, ऑप्शन बायर है वो तो हमेशा पैसा लूज करता है, लेकिन फैक्ट ये भी है कि 90% ऑप्शन सेलर भी पैसा लूज करते हैं। तो ऑप्शन सेल करना कोई गारंटी नहीं है कि आप प्रॉफिट जनरेट ही करोगे, क्योंकि 90% ट्रेडर्स हैं वो ऑप्शन सेलिंग में भी पैसा लूज करते हैं। तो ऑप्शन बाइंग हो चाहे ऑप्शन सेलिंग हो, यहाँ पे प्रॉफिट वही जनरेट करेगा जिसका रिस्क मैनेजमेंट अच्छा है। जी हाँ, ऑप्शन ट्रेडिंग में अगर आपको पैसा कमाना है, और ये बात सिर्फ ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए नहीं है, ये हर फील्ड में लागू होती है, चाहे ऑप्शन ट्रेडिंग हो या आप किसी और इंस्ट्रूमेंट को ट्रेड करते हो, अगर आपको पैसा कमाना है तो आपको अपने लॉसेस का ख्याल रखना पड़ेगा, आपको अपने रिस्क को मैनेज करना पड़ेगा। अगर आपको रिस्क मैनेज करना नहीं आता है तो आप चाहे कितने स्किलफुल ट्रेडर क्यों ना हो, आप प्रॉफिट जनरेट नहीं कर सकते लॉन्ग टर्म में। चलिए, तो अब बात करते हैं उस सबसे बड़े रीजन की जिस वजह से ऑप्शन ट्रेडिंग में मेजॉरिटी लोग पैसा लूज करते हैं। तो देखिए, ये रीजन है, ये रिस्क मैनेजमेंट से जुड़ा है, और ये है पोजीशन साइजिंग। लोगों की पोजीशन साइजिंग बड़ी होती है और यही नंबर वन किलर होता है एक ऑप्शन ट्रेडर का। बिग पोजीशन साइजिंग इज द नंबर वन रीजन व्हाई पीपल फेल इन ऑप्शन ट्रेडिंग। तो अगर आप अपनी पोजीशन साइजिंग का ख्याल नहीं रख रहे हो, जो कि डायरेक्टली लिंक होती है आपके रिस्क मैनेजमेंट से, अगर आपकी पोजीशन साइजिंग सही नहीं है, दैट मींस आपका रिस्क मैनेजमेंट है वो सही नहीं है, और देर सवेर ये रीजन बनेगी आपके ऑप्शन ट्रेडिंग में फेल होने का। तो बींग ए ऑप्शन ट्रेडर, हमेशा अपनी पोजीशन साइजिंग का आप ध्यान रखिए, आपकी पोजीशन ओवर तो नहीं हो रही है, बहुत ज्यादा तो नहीं हो रही है। देखिए, एक ऑप्शन सेलर होता है, उसका प्रॉफिट होता है वो लिमिटेड होता है, और रिस्क होता है वो अनलिमिटेड होता है। तो यहाँ पे टेम्पटेशन होती है कि हम पोजीशन साइजिंग को बढ़ा के और अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ा लें, और ऐसा करने से आपकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ भी जाएगी, आपको प्रॉफिट ज्यादा भी जनरेट होगा। लेकिन आपको एक सिंपल फैक्ट को समझना है जो ऑप्शन सेलिंग से रिलेटेड है। वो फैक्ट ये है कि एक ऑप्शन सेलर 80% ऑफ द टाइम प्रॉफिटेबल रहता है, सिर्फ 20% ऑफ द टाइम उसको लॉस होता है। लेकिन वो जो 20% ऑफ द टाइम उसको लॉस होता है, वो हो सकता है कि उसको 80% ऑफ द टाइम जो प्रॉफिट हुआ है उससे भी बड़ा हो, अगर उसका रिस्क मैनेजमेंट सही नहीं है तो। और क्योंकि उसका प्रॉफिट छोटा होता है, इसलिए उसको टेम्पटेशन होती है पोजीशन साइज को बढ़ाने की। तो ये एक ट्रैप है जिसमें आपको नहीं फंसना है। मैं अब आपको स्क्रीन पर लेकर चलूंगा, और जो चीज मैं आपको बोल रहा हूँ वो प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा। तो चलिए, अब इससे आगे का वीडियो मैं आपको स्क्रीन पर लेकर चल के दिखाता हूँ। तो देखिए, ये मैं आपको ऑप्शन के स्क्रीन पर ले आया हूँ, और निफ्टी अभी ट्रेड कर रहा है 16900 के आसपास। That means 16900 है, ये एट द मनी का लेवल है। अब मैं यहाँ पे आपको एक ऑप्शन सेलर का पर्सपेक्टिव दिखाता हूँ, और कैसे मेजॉरिटी ऑफ ट्रेडर्स पोजीशन साइजिंग को बढ़ाते हैं, उस लॉजिक को मैं आपको समझाता हूँ। तो देखिए, 29 सितंबर की सीरीज अभी चल रही है, लेकिन ये कल एक्सपायरी हो जाएगी, तो मैं अगली सीरीज लगा लेता हूँ। तो अगली इज 27th of October, तो ये सीरीज मैंने लगा ली है। अब मैं ऑप्शन चेन को ओपन करता हूँ, और मार्केट कहाँ पे ट्रेड कर रहा है, 16900 के आसपास, मतलब ये एट द मनी का लेवल है। तो यहाँ पे आप मान लीजिए एक ऑप्शन सेलर है, और वो मार्केट के बहुत नियर बाय भी नहीं आ रहा है, वो सेफ रह के ऑप्शन सेलिंग करना चाहता है। तो मान लीजिए वो यहाँ पे एक पुट ऑप्शन सेल करता है 15 डेल्टा का। तो 15 डेल्टा कहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, 15 डेल्टा इज एट 15800। 15800 का वो एक पुट ऑप्शन सेल करता है, और उसका प्रीमियम कितना है, 98 रुपीज का। तो इसका एक लॉट उसने सेल कर दिया। तो अब आप देखिए उसका पे ऑफ चार्ट क्या बन रहा है, उसका जो मैक्सिमम प्रॉफिट है वो 9800 रुपीज जो उसने रिसीव किए हैं, यही उसका मैक्सिमम प्रॉफिट है। अगर मार्केट उसके प्रॉफिटेबल जोन में रहता है तो उसको 4900 रुपीज का प्रॉफिट होगा, और ये 4900 रुपीज है, ये यही 98 रुपीज है जो उसने क्रेडिट रिसीव किया है। तो अब आप देखिए, क्योंकि इस ट्रेडर ने 15 डेल्टा का पुट ऑप्शन सेल किया है, इसलिए इसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट है वो 87% है, मतलब अच्छी खासी प्रोबेबिलिटी है कि इसको प्रॉफिट होगा। लेकिन मैक्सिमम प्रॉफिट कितना होगा, सिर्फ 4900 रुपीज का, और मैक्सिमम लॉस कितना है, अनलिमिटेड, उसको लॉस कितना भी हो सकता है। तो यहाँ पे एक ट्रेडर क्या सोचता है, उस चीज को आप समझिए। देखिए, मार्केट तेजी से नीचे गिरा है, और अभी मार्केट आ गया 16858 पे, तो मार्केट काफी गिर चुका है, और यहां से इस ट्रेडर ने एक 15 डेल्टा का पुट ऑप्शन सेल किया है, जो कि अभी भी मार्केट से 1000 पॉइंट दूर है, मतलब 15800 का उसने पुट ऑप्शन सेल कर दिया है। और क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट है ये 87% है, तो इस ट्रेडर को पूरा भरोसा है कि मार्केट और भी गिरा तो 1000 पॉइंट तो नहीं गिरेगा, इस वजह से मुझे यहां पे प्रॉफिट होगा। लेकिन उसका जो मैक्सिमम प्रॉफिट है ये 4900 रुपीज का है, तो अब वो इसे बढ़ाना चाहता है,
और वो क्यों बढ़ाना चाहता है, क्योंकि वो श्योर है कि उसे यहाँ पे प्रॉफिट होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट है वो 87% है और बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि उसको इस ट्रेड में प्रॉफिट भी होगा, क्योंकि उसका डेल्टा है वो 15 है, मार्केट काफी गिर चुका है, जो उसने लॉजिक लगाया है वो बिल्कुल ठीक है। तो अब वो अपने प्रॉफिट को बढ़ाना चाहता है क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट है वो काफी ज्यादा है, तो वो यहाँ पे क्या करेगा, वो पोजिशन साइजिंग को यहाँ पे बढ़ा देता है। 15800 का एक लॉट उसने सेल किया है और उसको 4900 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है, तो वो ज्यादा प्रॉफिट जनरेट करने के लिए और अपने लॉट साइज को बढ़ा देता है। अगर वो यहाँ पे लॉट साइज मान लीजिए 5 कर देता है, तो आप देखिए उसका आप जो मैक्सिमम प्रॉफिट है वो 24,000 रुपीज का है और प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट है वो स्टिल 87% है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट जो कि ऑलमोस्ट 90% थी उसको देखकर और उसने अपने लॉट साइज को बढ़ा दिया है, क्योंकि उसे ये इजी मनी लग रही थी। पहले उसे सिर्फ 5,000 रुपए का प्रॉफिट हो रहा था, लेकिन वो उस प्रॉफिट को बढ़ाना चाहता था क्योंकि उसे लग रहा था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट है वो यहाँ पे 87% है। तो देखिए पोजीशन साइजिंग को बढ़ाने की, नंबर ऑफ लॉट्स को बढ़ाने की टेम्पटेशन हम सबको होती है, और यहाँ पे जो 25,000 रुपीज का प्रॉफिट दिख रहा है, बहुत ज्यादा चांसेस है कि इस ट्रेडर को 25,000 रुपीज का प्रॉफिट होगा भी। लेकिन आपको एक चीज को ध्यान रखना है कि 90% ऑफ द टाइम्स इस सेटअप में इस ट्रेडर को प्रॉफिट होगा, लेकिन 10% ऑफ द टाइम इसको लॉस भी होगा। तो अब 90% और 10% के डिफरेंस को देखिए, 90% चांसेस हैं कि इसको 25,000 रुपीस का प्रॉफिट होगा, लेकिन 10% चांसेस हैं कि इसको लॉस होगा और लॉस है वो अनलिमिटेड है। लेकिन अब आप एक चीज को देखिए, जब ट्रेडर ने सिर्फ एक लॉट को सेल किया था उस टाइम पे जो प्रॉफिट था मैक्सिमम वो 4900 रुपीस का था और लॉस था वो उस टाइम पे भी अनलिमिटेड था, और अब उसने जब नंबर ऑफ लॉट्स 5 कर दिए हैं तो उसका प्रॉफिट है वो 5000 से बढ़ के 25,000 रुपीस हो गया है, लेकिन लॉस है वो स्टिल अनलिमिटेड है। लेकिन ये जो लॉस अनलिमिटेड है ये अब 5 टाइम्स हो चुका है, एक लॉट सेल किया तब भी अनलिमिटेड लॉस था, 5 लॉट सेल किए तब भी अनलिमिटेड लॉस है, लेकिन अब ये 5 लॉट्स पे हो रहा है, दैट मींस अनलिमिटेड लॉस मल्टीप्लाई बाय 5। आपको एक लॉट पे जितना लॉस होता उसका 5 टाइम्स अब आपको लॉस होगा। तो यहाँ पे 90% ऑफ द टाइम्स आपको ये प्रॉफिट होगा जो आपको दिखाई दे रहा है, जो 25,000 रुपीज का प्रॉफिट आपको दिख रहा है ये 10 में से 9 टाइम्स आपको होगा। लेकिन वो जो 10% ऑफ द टाइम्स आपको लॉस होगा वो आप देखिए किस तरह का होगा, जो आपका लॉस है वो एक लॉट पे अनलिमिटेड था और क्योंकि आपने 5 लॉट सेल कर रखे हैं तो वो अनलिमिटेड लॉस मल्टीप्लाई बाय 5 हो गया है। तो जो 10% ऑफ द टाइम्स आपको लॉस होगा वो इतना ह्यूज होगा कि 90% ऑफ द टाइम्स आपने 25,000 रुपीस का प्रॉफिट बुक किया है वो पूरा वाइप आउट कर देगा। तो पोजीशन साइजिंग होती है ये लुक्रेटिव लगती है जब तक प्रॉफिट होता है तब तक। अगर आपको लॉस हुआ, स्पेशली अगर आप एक ऑप्शन सेलर हो, तो जितना भी आपको प्रॉफिट हुआ है वो सारा वाइप आउट हो जाएगा सिर्फ एक ट्रेड में। यहाँ पे आप देखिए प्रॉफिटेबिलिटी है वो 90% है, बट स्टिल जो 10% ऑफ द टाइम्स आपको लॉस होगा उसको आप अफोर्ड नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको जो लॉस होगा 10% ऑफ द टाइम्स वो काफी ह्यूज होगा। तो हमेशा आपको मेक श्योर करना है कि आपकी पोजीशन साइजिंग है वो इन चेक हो, वो बहुत ज्यादा बड़ी ना हो, क्योंकि ऑप्शन सेलर होता है इसका प्रॉफिट है वो बहुत छोटा सा होता है और रिस्क है वो अनलिमिटेड होता है। तो आपको इस फैक्ट को एक्सेप्ट करना होगा कि आपका जो प्रॉफिट है वो कभी भी आपके लॉस के लिए कंपनसेट नहीं करेगा, क्योंकि उन दोनों में कोई कंपैरिजन ही नहीं है। आपका जो प्रॉफिट है वो लिमिटेड है, आपका जो लॉस है वो अनलिमिटेड है। तो आपका प्रॉफिट कभी भी इस लॉस के लिए कंपनसेट नहीं करेगा। अगर आपको 10 में से 9 बार प्रॉफिट भी हो रहा है, जो कि आपको होगा भी बींग ए ऑप्शन सेलर, लेकिन वो जो एक बार आपको लॉस होगा वो इतना बड़ा हो सकता है कि आपने जो 9 बार प्रॉफिट जनरेट किया है उस पूरे को खा जाए। तो इस वजह से पोजीशन साइजिंग है ये आपके लिए बहुत जरूरी हो जाती है, स्पेशली अगर आप एक ऑप्शन सेलर हो तो। तो चलिए, पोजीशन साइजिंग आपकी हमेशा इन चेक होनी चाहिए, क्योंकि पोजीशन साइजिंग है ये नंबर वन किलर होता है एक ऑप्शन ट्रेडर का। अगर आपकी पोजीशन साइजिंग बड़ी है तो यू आर जस्ट वन ट्रेड अवे फ्रॉम गेटिंग आउट ऑफ द मार्केट। बोला भी जाता है एन ऑप्शन सेलर इज एज गुड एज हिज लास्ट कॉल। तो हमेशा मेक श्योर कीजिए कि आपकी पोजीशन साइजिंग है वो कंट्रोल में रहे। आपकी पोजीशन साइजिंग बहुत बड़ी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ओवर पोजीशन साइजिंग नंबर वन रीजन है जिस वजह से लोग ऑप्शन ट्रेडिंग में फेल होते हैं। आपकी कैपिटल के अकॉर्डिंग आपकी पोजीशन साइजिंग कितनी बड़ी होनी चाहिए, इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला मैंने शेयर किया है। मैंने एक मेंबर्स ओनली वीडियो बनाया है जिसमें मैंने एक्सप्लेन किया है कि आपकी पोजीशन साइजिंग क्या होनी चाहिए आपके कैपिटल के अकॉर्डिंग। और अगर आप उस टेक्निक को फॉलो करते हो तो मार्केट में चाहे कुछ भी हो जाए आप मार्केट से बाहर नहीं हो सकते, मार्केट आपको वाइप आउट नहीं कर सकता। तो ये एक मेंबर्स ओनली वीडियो है जिसमें मैंने रिस्क मैनेजमेंट का ये फॉर्मूला शेयर किया है। तो चलिए अब इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो मेक श्योर आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, अपनी पोजीशन साइजिंग को हमेशा चेक में रखें। दिस इज सतपाल साइनिंग ऑफ। Thank you.